पहले भी हमें इसका एक बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है। ओह, आई एम सो सॉरी। हमारे पास ये एक्सपर्टीज तो नहीं है, बट यू नो वी विल बी गेटिंग इट सून। नेवर माइंड, योर जॉब वाज वेल डन। जी हाँ, अभी तक मरने वालों की तादाद भी मुतय्यन नहीं हो सकी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी हम लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। वेरी सून हम आपको हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। हेलो मिसेस रुस्तम जी, आप कौन? मैं रुस्तम साहब का एक पुराना वाकिफ हूँ। मैंने सुना है कि उनका इंतकाल हो गया। कब हुआ? आप कौन बोल रहे हैं? क्या ये वही रुस्तम हैं जो ज्ञानी सेठ के पास नौकरी करते थे? जी नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप ये क्यों कहते हैं कि वो मर चुके हैं? वो मर चुके हैं। तो फिर क्या बात है? सारा अम्मी बहुत अपसेट है। पता नहीं कौन हमारे घर फोन करता है, क्या कहता है, शायद डैडी के बारे में कुछ। अम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं। ओ आई सी। वो मुझे भी नहीं बताना चाहती। कोई ऐसी बात है, मुझे लगता है। लेकिन सौरभ, तुम्हारे परेशान होने से कोई मसला तो हल नहीं होगा ना? मुझे लगता है ये भी मेरा कसूर है। तुम्हारा? जब तक ये पुलिस वाली बात नहीं हुई थी सब ठीक था। देखो सौरभ, तुम जो इतने बड़े क्राइसिस से गुजरे हो, अगर इस तरह किसी और के साथ होता, इस तरह का ट्रोमा, तो शायद वो नींद की गोलियां खा रहा होता। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मैं बहराम का इंतजार कर रही हूँ। और तुम? मैं उसे कत्ल करने आया। इंटरेस्टिंग। तुम्हारी कोई दुश्मनी है उससे या तुम प्रोफेशनल किलर हो? वो मेरे सेठ का दुश्मन है। ओके। तुम अगर बहराम को कत्ल करना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम बाजारी औरत हो। I am proud of you. Thank you, sir. Thank you. यहाँ कोई अच्छा बुरा नहीं। हर शख्स में कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी। तुम बहराम को कैसे जानती हो? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैं उसे वहाँ कत्ल करने गई थी और फिर तुम आ गए और मेरा काम तुमने कर दिया। तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो। हाँ, वैसे तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही और ना ही मुझे अच्छी लग रही। तो फिर यहाँ आए क्यों? इसलिए कि तुमने बुलाया था। ये बात तो क्या मुझे टेलीफोन पर बता सकता था, फिर उसने तुम्हें क्यों भेजा है? बादशाहों का ये कायदा होता है कि जंग होने से पहले वो अपने सफीर भेजते हैं, और यही फर्क होता है बादशाहों में और लुटेरे में। लुटे ओह माय गॉड। एंड यू थिंक कि तुम यहां से जिंदा वापस चले जाओगे? ये तुम्हारी मर्जी है। अगर मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा तो तुम सब भी जिंदा नहीं रहोगे।
घर बुलाकर इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया कैनी साहब। तुमने अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ये जहमत की। कैनी साहब, अब वक्त बहुत बदल गया है। वक्त हमारे साथ नहीं चलता, बल्कि हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि एक तरफ आप हुकूमत करें और दूसरे कोने तक कोई मौजूद ना। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है क्या निशा। हमें सोशियोलॉजी पर लेक्चर देने आए हो तुम। कहने का मतलब ये है क्या निशा, आप देखिए ना कितनी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। दुनिया की बेशुमार पार्टीज इंटरेस्टेड हैं। मैं कोई असाइनमेंट ले लेता हूँ, लेकिन उधर कोई और वाकया हो जाता है जिसकी वजह से सिक्योरिटी टाइट हो जाती है, और जिस तरह प्लान बनता है उस तरह पूरा नहीं हो पाता। क्या नहीं साहब, दुनिया भर में इस मुल्क से बेहतर कोई जगह नहीं है। But you see, we need to get organized. Organized? Under you? But of course, मैं आपके लिए कुछ जगहें छोड़ सकता हूँ। ये पूरा मुल्क हमारा है। ओह, कहाँ? जंगल में डाकू हैं, पहाड़ों पर बागियों का राज है, शहर में बेशुमार फ्रीलांसर्स घूम रहे हैं। तो फिर छोटे से छोटा जेब कतरा हो या बड़े से बड़ा डाकू हो, उसे हमें कमीशन देना होगा। हम अपने नेटवर्क बनाएंगे। हमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो है ना। यूसी कहने साहब, बात दरअसल ये है कि मुझे अपने बिजनेस में जिस किस्म का एक्सपेंशन चाहिए वो हो नहीं सकता जब तक कि सब चीजें मेरे कंट्रोल में ना हो। यूसी, आई हैव एन ऑफर फॉर यू। तुम हमें जो भी ऑफर दोगे उसे हम हाँ कह के तुम्हारे सामने अपनी जबान के पाबंद हो जाएंगे, और किसी के पाबंद नहीं। रुस्तम, आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें शायद शहजोर कहना चाहिए था क्योंकि तुम अब तो इसी नाम से पहचाने जाते हो। लेकिन खैर, कोई बात नहीं, तुम्हारी वाकफियत तो बहुत पुरानी है। याद है तुम्हें जब तुम पहली मरतबा मेरे पास आए थे तो तुमने मुझसे कहा था, मैं हूं रुस्तम, ना मैं बदला हूं और ना तुम। तुमने तो अपना नाम ही बदल लिया है। तुमने और अगर कुछ नहीं कहना तो ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। रुस्तम, तुम समझाओ अपने बॉस को, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के दरमियान जंग शुरू हो। जंग बराबर के लोगों में होती है। क्या नहीं साहब, मुझे मालूम है कि आपको समंदरों में ज्यादा दिलचस्पी होगी, लेकिन देखिए ना, आखिरकार इंसान को आना तो वापस जमीन ही पर पड़ता है। मैं नहीं जानता कि मेरे समंदर वाले प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें किसने बताया, लेकिन तुम उससे दूर रहो। क्या नहीं साहब, क्या आपको अब तक अंदाजा नहीं हुआ है कि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं? प्लीज मेरी बात मान लीजिए, वरना हम एक और जंग पर मजबूर हो जाएंगे। Thank you.
सुना है तुम्हारी एक बीवी भी थी और एक बेटा था। क्या कहना चाहते हो? 20 बरस से तुमने उनकी शक्ल नहीं देखी, उनको पागलों की तरह तलाश करते फिर रहे। You bastard. शायद बेटे पिस्तौल निकालने की जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए तलाश कर सकता हूँ। मुझे अपने खून को तलाश करने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कैसा लगा? बादशाहों के पास खजाने हुआ करते थे, हमारे पास गोदाम है और यही हमारी सल्तनत की बुनियाद है। दावर तुम्हें पूरी लिस्ट बनाकर दे देगा। मुझे क्यों सर? इसलिए कि अब तुम्हें इनकी हिफाजत करनी है। मगर क्यारी साहब, तुम इस काबिल नहीं हो, यही कहना चाहते हो? जी हाँ। तुम्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाएगी। मगर मैं ही क्यों? इसलिए कि तुम मौत से नहीं डरते। मेरी एक शर्त होगी सर। क्या शर्त? कि मैं किसी ऐसे शख्स को कत्ल नहीं करूंगा जिसने कोई खून ना किया हो। मंजूर है मुझे। थैंक यू सर। अब इजाजत है। ठीक। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें देखा है। हालांकि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। हम तो वैसे भी अजनबी हैं जिशा। शमाल प्लीज, तुमने मुझसे नहीं मेरी जायदाद से शादी की थी। ये शादी हमारे पेरेंट्स ने की थी। जो अब इस दुनिया में नहीं। मे गॉड ब्लेस देयर सोल्स। शुमाल, तुम क्या चाहती हो? मैं शादी नहीं करना चाहती थी जिशा। आजाद रहना चाहती थी, लेकिन बड़े घर में पैदा हुई इसलिए ये मुमकिन ही नहीं था। आई डोंट डिसलाइक यू, लेकिन
मैं तुमसे कोई ताल्लुक महसूस नहीं करती, दिल से। जीशान पर हमला हुआ है, ये उसकी जान लेने की दूसरी कोशिश है। सर बहुत अफसोस हुआ, आपने FIR दर्ज करा दी है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं समझी। हमें जरा सहूलत हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो किसी को भिजवा दो, रजिस्टर लेके आ जाए। सर मेरी समझ नहीं आ रहा मैं आपसे किस तरह कहूँ। पिछले दिनों एक 5-star होटल में मर्डर हो गया था। अफरा से आपने इन्फॉर्म किया है होटल वालों को कि वो मर्डर मेरा हाथ है? जी हाँ सर। देखो पिछले दिनों कुछ मर्डर हुए थे और वो अफरा साहब ने करवाए थे, हो सकता है इस पर भी हमला उसी ने करवाया। मरने वाला अफरा साहब का मैनेजर था। देखो अफरा साहब की और मेरी लड़ाई बहुत पुरानी है, इसलिए तुम उससे अलग रहो। वो जो मैनेजर था अफरा साहब का, क्या नाम है उसका? बहराम। हाँ, उसने पिछले दिनों कुछ मेरे बंदे मरवाए थे और हो सकता है जीशान पे भी हमले वही करवा रहा हो। अगर ऐसा है तो मैं उसे मैनेज कर लूँगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट करके मुझे बताना है तो तुम्हारा काम है। यू सिंपली डोंट वरी, जस्ट डू योर जॉब। ओके सर। तुम्हारे ऑफिस से कई मर्तबा फोन आया। क्या बात? पता नहीं, देखो रुस्तम, तुम जो भी करते हो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस बच्चे का यह हक है कि इस पे गलत पैसे का साया ना पड़े। क्या बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें उस रात भी कहा था। उस रात तुम अपने होश में नहीं थी। मैंने जॉब कर ली है। कहाँ? यूनिवर्सिटी में। सौरभ का जो भी खर्चा होगा उन्हीं पैसों से होगा। तुम शायद भूल रही हो कि मैं उसका बाप हूं। उसके कदमों में दुनिया भर की खुशियां लाके डाल सकता हूं। कितने खुश थे हम दोनों जब वो पैदा हुआ था, कितने खुश थे। कहता था ना तुमसे कि सारा प्यार उसे मत दे देना, लेकिन तुम कहती थी कि प्यार को रेवड़ियों की तरह ना बांटे। मेरा हिस्सा कहां? तुम्हारे प्यार में और उसकी जिंदगी में तहमीना मैं कहा? मैं कहा हूं तहमीना? क्या क्या मेरा वो कुछ नहीं लगता? सोराब मेरा कुछ नहीं लगता? तहमीना,
ये मतलब बिल्कुल नहीं था। प्लीज तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रुस्तम। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तैमीना। बहुत।